बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्म को आप किस तरह से डिजाइन कर सकते हैं, इसके अंदर कलर्स को फिल करना, टेक्स्ट को चेंज करना, उसकी अरेंजमेंट को चेंज करना, इसकी डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम फॉर्म के अंदर कॉम्बो बॉक्स को इंसर्ट करना सीखेंगे। टुडे स्टूडेंट्स, कॉम्बो बॉक्स क्या होता है? दोस्तों, कॉम्बो बॉक्स जिसको लिस्ट बॉक्स भी कहा जाता है, इसके अंदर आपको एक फील्ड में मल्टीपल वैल्यूज फराहम की जाती हैं और आप उन वैल्यूज में से, उस लिस्ट में से कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये जो आपको एक डिलीट का बटन नजर आ रहा है, तो ये दरअसल एक बटन नहीं है बल्कि ये कॉम्बो बॉक्स है, क्योंकि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू शो होगा और यहाँ पर एक लिस्ट शो होगी कि आप एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना चाहते हैं, आप किसी कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं, और फिर आप इस लिस्ट में से कोई एक वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही अगर आप इस कॉम्बो बॉक्स को अपने फॉर्म्स के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो वो आप किस तरह से करेंगे। आप सबके सामने एक एम्प्लॉय का टेबल मौजूद है। हम सबसे पहले इसका फॉर्म व्यू क्रिएट करेंगे। क्रिएट के टैब में जाएंगे, फॉर्म्स के ग्रुप में जाएंगे और इस फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस एम्प्लॉय टेबल का फॉर्म व्यू क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, आप डिजाइन टैब के अंदर कंट्रोल ग्रुप्स के अंदर सबसे पहले इस यूज कंट्रोल विजेट पर क्लिक करेंगे। याद रखिए, इनमें से किसी भी कंट्रोल को सिलेक्ट करने से पहले आपको यूज कंट्रोल विजेट पर क्लिक करना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर ये कॉम्बो बॉक्स का कंट्रोल नजर आ रहा होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप इसको जहां भी अपने फॉर्म में प्लेस करना चाहते हैं वहां पर प्लेस कर देंगे। जैसे ही आप इसको प्लेस करेंगे, आपके सामने एक विंडो ओपन होगी कॉम्बो बॉक्स विजेट की। यहाँ पर आपसे ये तीन ऑप्शन पूछ रहा है कि आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम अनदर टेबल, यानी आप किसी और टेबल से जो है वो वैल्यूज को लेना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों कॉम्बो बॉक्स में दरअसल वैल्यूज ही तो आ रही होती है जिनको हमें सिलेक्ट करना होता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वॉन्ट, यानी आप खुद से कोई वैल्यूज टाइप करना चाहते हैं। Find a record on my form based, इसके अलावा या फिर आप अपने record को find करना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये जो इन दोनों में से हम सबसे पहले इस I will type in the values पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप next पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों, आपको वो values देनी है जो कि आप अपने उस combo box में, उस list box में दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर तीन values दे देंगे, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, हम अपने डिपार्टमेंट की जो आईडी है, यानी एक मिनट, आप सबसे पहले जो हमारी डिपार्टमेंट की फील्ड है उसको हम कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हम उसकी वैल्यूज को सिलेक्ट करना चाहते हैं। और जो दोस्तों एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट है वो तीन है, 1, 2 और 3। तो कोई एक एम्प्लॉय जो है वो सना जो है वो डिपार्टमेंट 1 की भी हो सकती है, वो डिपार्टमेंट 2 से भी रिलेट कर सकती है, डिपार्टमेंट 3 से भी कर सकती है। तो इसके लिए आपके सामने ये लिस्ट मौजूद होगी, आप उस लिस्ट में से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर दरअसल आप फिक्स वैल्यूज देंगे कि आपके डिपार्टमेंट जो है वो उस एम्प्लॉय के कितने हो सकते हैं, एक कंपनी में कितने डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। तो आपने लिख दिया 1, 2 एंड 3। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब ये पूछ रहा है रिमेंबर द वैल्यू फॉर लेटर यूज, यानी जो आपने अभी वैल्यूज इंसर्ट की हैं वो आप बाद के यूज के लिए रखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, या फिर आप उनको स्टोर करना चाहते हैं, यानी स्टोर दैट वैल्यू इन दिस फील्ड, आप उसको किस फील्ड में स्टोर करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं जो हूँ उसको डिपार्टमेंट की फील्ड में स्टोर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट को एज अ कॉम्बो बॉक्स बनाना चाहती हूँ। उसके बाद आप दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये पूछ रहा है कि आपका लेबल क्या होना चाहिए उस फील्ड का, डिपार्टमेंट की फील्ड का। तो मैं वहां लिख दूंगी डिपार्टमेंट नंबर। इसके बाद दोस्तों आप फिनिश कर देंगे। जैसे आप फिनिश पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एक डिपार्टमेंट का जो है एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट हो चुका है। तो अब दोस्तों आप इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर इस व्यू के ब्लॉक के अंदर आप फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे। अब जब आप फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डिपार्टमेंट का कॉम्बो बॉक्स क्रिएट हो चुका है और इसके अंदर आपको तीन वैल्यूज नजर आ रही हैं, 1, 2 एंड 3। अब दोस्तों हम एक न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं जहां पर हम फर्स्ट नेम ले लेते हैं फराज, लास्ट नेम है इसका अहमद, एड्रेस है D09, सिटी है कराची, सैलरी है
5000 50000। और यहाँ पर दोस्तों हम इसका डिपार्टमेंट जो है वो इस कॉम्बो बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे कि ये डिपार्टमेंट नंबर 1 का है या डिपार्टमेंट नंबर 2 का एम्प्लॉय है या डिपार्टमेंट नंबर 3 का है। तो हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट नंबर 3 सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप इस रिकॉर्ड को सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब दोस्तों जब आप इस एम्प्लॉय के टेबल पर जाएंगे तो आप सबसे पहले इसको रिफ्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपका एम्प्लॉय है ये क्रिएट हो चुका है, इसका रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है और इसका डिपार्टमेंट भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 3 डिपार्टमेंट का बंदा है। इस तरह से दोस्तों आप एक किसी भी फील्ड को कॉम्बो बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्म्स के अंदर। तो हम टेबल्स के अंदर याद रखिए किसी भी फील्ड का कॉम्बो बॉक्स उसकी डेटा टाइप नहीं ले सकते, लेकिन आप फॉर्म के अंदर ये सिलेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप यूजर्स के लिए आसानी हो ताकि वो मल्टीपल वैल्यूज में से किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपनी चॉइस के मुताबिक सिलेक्ट कर सके। अब दोस्तों ये तो हमने फिक्स वैल्यूज दी थी, आप देख सकते हैं कि हमने एक कॉम्बो बॉक्स के अंदर खुद से वैल्यूज डाली थी 1, 2 और 3। लेकिन अगर आप किसी और टेबल से वैल्यूज जो है वो उस कॉम्बो बॉक्स में डालना चाहें तो वो आप किस तरह से करेंगे, पहले आप इसको क्लोज कर देंगे, इसको सेव नहीं करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ देखें तो हमारे पास एक टेबल है डिपार्टमेंट के नाम से, इसमें डिपार्टमेंट नंबर 1, 2 और 3 हमारे पास मौजूद है। तो हम सबसे पहले वही काम करेंगे कि एम्प्लॉय के टेबल का फॉर्म क्रिएट करेंगे। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर से यूज कंट्रोल विजिट पर क्लिक करेंगे, फिर कॉम्बो बॉक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इस कॉम्बो बॉक्स को प्लेस कर देंगे। और दोस्तों जैसे आप इस कॉम्बो बॉक्स को प्लेस करेंगे तो यहाँ पर ये एक विंडो ओपन होगी कॉम्बो बॉक्स विजिट की। पिछली बार हमने इस ऑप्शन पर क्लिक किया था कि आई विल टाइप द वैल्यूज दैट आई वांट, यानी हमने फिक्स वैल्यूज दी थी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम किसी और टेबल से जो है वो वैल्यू अपने कॉम्बो बॉक्स में डलवाना चाहते हैं। दोस्तों आप सबसे पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आई वॉन्ट द कॉम्बो बॉक्स टू गेट द वैल्यूज फ्रॉम एन अदर टेबल। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वो दूसरा टेबल कौन सा होगा जिसकी वैल्यूज जो है वो आप अपने कॉम्बो बॉक्स में डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर वो दूसरा टेबल है डिपार्टमेंट का। इसके बाद दोस्तों आपने इस टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों ये पूछा चाहता है कि डिपार्टमेंट की कौन सी फील्ड की वैल्यूज को आप कॉम्बो बॉक्स में डालना चाहते हैं, तो हम डिपार्टमेंट नंबर को डालना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप दोस्तों सिलेक्ट करेंगे इस डिपार्टमेंट नंबर की फील्ड को जिसमें तमाम वैल्यूज रखी हुई हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर के अंदर 3 ही वैल्यूज थी 1, 2 और 3, तो वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गई हैं, आपको खुद से टाइप करने की भी जरूरत नहीं है। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आप किस यहाँ पर भी वही ऑप्शन पूछ रहा है कि आप ये जो वैल्यूज हैं ये कौन सी फील्ड में स्टोर करवाना चाहते हैं एम्प्लॉय के टेबल में। दोस्तों मैं डिपार्टमेंट के फील्ड में स्टोर करवाना चाहती हूँ। यहाँ अपने टेबल की फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप अपने कॉम्बो बॉक्स को क्या नाम देना चाहते हैं वो नाम हम दे देंगे यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉय का और यहाँ फिनिश कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देखें तो एक कॉम्बो बॉक्स जो है ये क्रिएट हो चुका है। अब आप इस फील्ड को तो डिलीट कर दें। डिलीट करने के बाद दोस्तों हम उसी तरीके से फॉर्म व्यू पर जाएंगे। फॉर्म व्यू पर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो एक कॉम्बो बॉक्स है डिपार्टमेंट के नाम से ये आ चुका है। तो यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो 1, 2 और 3, यानी क्योंकि हमारी इस डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट नंबर के अंदर 3 ही वैल्यूज थी 1, 2 और 3, तो यहाँ पर भी हमारे इस फॉर्म व्यू के अंदर इस कॉम्बो बॉक्स में 3 ही वैल्यूज आपको नजर आ रही है 1, 2 और 3। तो इस तरह से दोस्तों आप फिक्स वैल्यूज भी कॉम्बो बॉक्स में इंसर्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी और टेबल से वैल्यूज को अपने कॉम्बो बॉक्स में डलवाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लेक्चर का अख्तिताम हुआ जिसमें हमने एक फॉर्म के अंदर आप लिस्ट बॉक्स या कॉम्बो बॉक्स को किस तरह से इंसर्ट करवा सकते हैं ये डिटेल्स आपसे शेयर करी। अगले लेक्चर में हम चेक बॉक्स को किस तरह से आप अपने फॉर्म के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं इसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।